तकरीबन यहाँ पे एक साल से रह रहे हैं, साल भर तो हो गया। तो जो भी आपसे बिल्डर ने कमिट करा था क्या वो फुलफिल हुआ या? आई कैन से 99% तो किया। अच्छा, ये तो हो गया है। और जो टाइम कमिटमेंट वगैरह दिया था कि इतने समय में बना देंगे बिल्डर? हाँ, नहीं, टाइम कमिटमेंट में ही हमें ऑफर किया गया था। अच्छा, दैट वाज डिफरेंट के मैं दिल्ली से आने में थोड़ा लेट किया, बट पोजीशन मिल गया था। कम्यूटिंग में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती? किसमें? यहाँ आने जाने में? आने जाने में एक्चुअली एक तो मेरा ओन व्हीकल है। अच्छा, और दूसरा बात है अगर नहीं भी तो यहाँ से मेन रोड जो है मुश्किल से 1 किलोमीटर है। अच्छा, तो वहाँ से तो हर मिनट में कम्युनिकेशन बहुत है, ऑटो है, बस है, और मेट्रो में मैक्सिमम दिल्ली में सर्विस करता हूँ तो वैशाली के थ्रू जाता हूँ। अच्छा, आई डोंट थिंक बड़ा प्रॉब्लम है। कितना समय लगता है यहाँ से वैशाली जाने में? यहाँ से वैशाली जाने में इट्स डिपेंड्स, एक्चुअली अभी तो कुछ जैम वगैरह हो रहा है क्योंकि रोड में कुछ काम हो रहा है, तो नहीं तो 20 से 25 मिनट लगता है। 20-25 minutes. हाँ, यहाँ पे एक तो खुला खुला है, यारी है, और क्योंकि मेरा पता नहीं, मुझे तो साउथ और ईस्ट फेसिंग है तो काफ़ी धूप भी है, हवा भी है। अच्छा, सुकून भी है। कोई बिल्डर को मैसेज जो आप देना चाहते हैं अपने तरफ से, कोई और ख्वाहिश आपकी कि कुछ ये भी कर दो यार, ये भी चीज़ होना चाहिए, वो हाँ, इसमें एक दो चीज़ है जिसमें चाहता हूँ कि यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए कम से कम रोड थोड़ा वाइड हो, और गैस पाइपलाइन का भी हो गया है, मैंने भी करा लिया है। अच्छा, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाए, मगर जब तक रहता हूँ पीसफुली घर में पीसफुली रहता हूँ। तो सर आप कब आए यहाँ पे रहने के लिए? 2014 to be precise, 4th of March. But they gave me the position within 15th February के आसपास उन्होंने position दिया। I moved finally. तो हरवाड़ी में position दे दिया 3 साल के अंदर, तो ऐसा तो नहीं है कि construction quality जैसे तैसे बना दिया? Construction quality was it was already constructed ना। अच्छा, तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी थी, कंस्ट्रक्शन तो मैंने देख लिया था। अच्छा, कंस्ट्रक्शन वगैरह? हाँ हाँ, सब फ्लैट वाज रेडी। अच्छा, फ्लैट रेडी था लेकिन फिनिशिंग फिक्स्चर्स, अच्छा ये सारे काम, हाँ, ये सारे वो मतलब ऑल दोस थिंग्स, प्लस वो पैसे वैसे का होता है, डिपॉजिट करो, ये करो, दो ये दो वो दो। अच्छा, तो वो सब इट वेंट एज शेड्यूल्ड। अच्छा, मतलब आई पर्सनली आई डोंट हैव एनी रिग्रेट। तकरीबन यार 2 से 3 साल हो गए रहते हुए, आप देख लीजिए, जोड़ लीजिए, मतलब 2014 से 14 15 16 17 तीसरा साल 3 4 साल 3.5 साल के आसपास। मतलब इसमें कोई बहुत बहुत सोचने की बात नहीं है कि मतलब I will not take time to think that whether I am happy or not. Actually I am happy. I cannot complain about it very seriously. Because one has to take things in stride. There are, because you see, this is a country, I always say, this is a land of compromises. Na, this country is full of compromises. Aap kya kariyega? Na? So, under the given constraints, it is a very good place. सर आपने कब यहाँ कब शिफ्ट किए यहाँ पे आप? हाँ, मैंने यहाँ मार्च 2015 में शिफ्ट किया है। अच्छा, मार्च 2015। हाँ, और बुकिंग कब की थी सर? बुकिंग मैंने की थी दिसंबर 2011 में, बट पेमेंट मैंने जनवरी 2012 में किया था। अच्छा, तो करीब करीब 3 साल 3 महीने में पोजीशन मुझे। अच्छा, बिल्डर जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, आप किया है अभी तक? आप बिल्डर ने अभी तक जो बोला है 98% चीज़ें तो हो रही हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ का जो स्टाफ है वो काफ़ी सपोर्टिव है और चीज़ों को सुनते हैं और टाइम लाइन के अंदर कर रहे हैं। बिल्डिंग ठीक ही लग रही है देख के, तो आपका कैसा मतलब एक्सपीरियंस अभी तक का कैसा? बिल्डिंग ठीक है, अब करीब करीब 3-3.5 साल हो गए बिल्डिंग को, और ज़रूरत है थोड़ा सा वाइट वॉश कर दें ये बाहरी एरिया में। अच्छा, डिमांड है, हमें देना पड़ेगा। और अभी तक कम्यूटिंग वगैरह में कोई इशू आता है रात वात में अगर आते जाते हैं तो किसी नहीं? मुझे तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, और मैं तो रात में 12 बजे भी आया हूँ, 2 बजे भी आया हूँ, अपनी गाड़ी से आया हूँ, मोटरसाइकिल से भी आया हूँ,
और मैं उस टाइम आया हूँ जब सड़क बिल्कुल खस्ता हाल थी यहाँ पर। अच्छा, तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ छीना झपटी वगैरह कुछ नहीं होता है? कुछ भी नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ ना, मैंने सुना ऐसा जब से मैं यहाँ रह रहा हूँ, मतलब इस एरिया में नहीं, इस एरिया में मैंने सुना नहीं अभी तक। नहीं, ऐसा है कि आजकल देखिए पूरे दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण बात हो रही है, तो हमें तो सही है कि हम इतना थोड़ा सा हट के रह रहे हैं, क्योंकि खुली हवा ले रहे हैं, शुद्ध पानी है यहाँ पे और शांति का माहौल है, क्योंकि आदमी नौकरी करके आता है तो उसे शांति चाहिए कम से कम 8 घंटे सोने के लिए। दिक्कत रहती है, कुछ अच्छा ही रहती है, कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना पड़ता है। अगर आपको एक जगह रहना है कहीं सोसाइटी में तो बहुत ऐसी सारी दिक्कतें होती हैं जो हमसे भी होती हैं कभी बिल्डर से, तो दोनों को मैनेज करके रहना पड़ता है। अच्छा, और अगर अपनी पर्सनल इच्छा आप रखें तो इच्छा तो इतनी बड़ी होती है कभी पूरा हो नहीं। कम्यूटिंग में कोई परेशानी आने जाने में? नहीं, कोई दिक्कत कम्यूटिंग में कोई दिक्कत। और सबसे अच्छा है यहाँ पर मुझे जो लगता है पीसफुल है। अच्छा, पीसफुल है। आप ऑफिस से हैं तो 8-10 घंटे जो भी आप घर पे रहते हैं लगता है कि। ये देखिए जिम का लोकेशन है, ये तकरीबन 2000 स्क्वायर फीट का एरिया होगा जिसमें ये जिम बना है, और ज़रूरत की ऑलमोस्ट सारे सामान यहाँ पे रखे हुए हैं फंक्शन के लिए। आप बताइए सर, आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ फिलहाल 2 साल से रह रहा हूँ। 2 साल से? अच्छा, मतलब आपने रेडी टू मूव इन लिया होगा? हाँ, नहीं बुक तो हमने 2014 में कराया था। अच्छा, रहने के लिए यहाँ पे? जब मुझे पोजीशन मिला उसके बाद फिर मैं 2015 के लास्ट में आया। 2015? अच्छा, कैसा रहा अभी तक एक्सपीरियंस? बढ़िया है, अच्छा है, सोसाइटी अच्छी है और मेंटेनेंस वगैरह ठीक है, बढ़िया है। और बताइए यहाँ से आपका ऑफिस कहाँ पे है? हमारा ऑफिस तो आनंद विहार है। आनंद विहार? अच्छा, कितना समय लगता है यहाँ से जाने में? मॉर्निंग में मैं निकलता हूँ, मेरे 25 मिनट्स। 25 मिनट में पहुँच जाता है ऑफिस? आपके भी बच्चे हैं? हमारी ड्यूटी है वो ऑड आवर की होती है, तो ऑड आवर में सड़कें खाली होती है। अच्छा। और कहीं यदि 10 बजे निकलना हो तो फिर तो 1 घंटा लगता है। तो सोसाइटी में इलेक्ट्रिसिटी प्लम्बिंग वगैरह कैसा है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होती? देखिए दिक्कत की बात है, दिक्कत हर सोसाइटी में है लेकिन समय रहते है उसको तुरंत से सॉल्यूशन कर देना, ये सबसे बड़ी। तो मतलब आप लोगों की बात सुनते हैं? सुना जाता है मोस्ट ऑफ। पावर बैकअप वगैरह कैसा है? सही है, बिजली कभी भी होता है, जिसकी बिजली अच्छी रहती है। जो एलिवेटेड रोड बन रहा है ये कब तक पूरा होगा? इंतजार है हमें, हम तो डेली उधर से ही जाते हैं, देखते हैं कब रास्ता खुला हो उस पर चढ़ाते हैं। बस उसका उद्घाटन विधि ने भी जो भी है तैयार तो कंप्लीट है। अच्छा, डेढ़ दो तीन लाइन उसकी निकल चुकी है डेड लाइन। हाँ, जनवरी में पहले 15 जनवरी आया था, 20 था, फिर 26 हुआ। फिलहाल ये जब बन जाएगा तो मुझे लगता है कि 10 मिनट बन जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, टाइम बहुत सेव होगा और बिजली आदमी दिल्ली से गाजियाबाद। बताइए सर कैसा है यहाँ पे माहौल वगैरह? मेरा नाम संदीप राज है। अच्छा, माहौल यहाँ पे अच्छा है। इतने रात में जिम करने आए? रात में क्या, जैसे टाइम मिल जाता है कभी कभी।
अच्छा, तो खुला रहता है जी प्रवेश? हाँ। कितने बजे तक खुला रहता है? शाम में 5 से 8। 5 से 8। अच्छा, इसके बीच में कभी भी आए तो हम बता दें, अभी 8 बज रहा है लेकिन जिम खुला हो गया है। 2012-13 में तो एकदम रॉकेट में ये तो आपने ठीक कहा। उस समय मतलब उस समय से अभी तक प्रॉपर्टी में अप्रिशिएशन हुआ है, प्राइस वगैरह बढ़ा है? अगर उस समय का रेट हमने लिया था उस समय से और आज के जो ये सेलिंग रेट है उसमें देखा जाए तो है अप्रिशिएशन, लेकिन कस्टमर डायरेक्ट उसके पास ऑप्शन इतने ज़्यादा है। हाँ, फिलहाल तो अपना कहीं भी जाके डायरेक्ट रेडी टू मूव इन फ्लैट्स में अपना देख रहे हैं सारी तरफ। और ये भी जान के खुशी हुआ कि बिल्डर जो बोल रहा है वो कह के दे रहा है। मैक्सिमम चीज़ें मतलब उनका कंपैरिजन में और बिल्डर जो मैंने राज नगर एक्सटेंशन में देखे हैं सभी के हिसाब से यहाँ का बिल्ड अच्छा है, स्पेस ज़्यादा है। अच्छा, थोड़ा सा डिस्टेंस है मेन राज नगर एक्सटेंशन।